today, recorded a beautiful song for Hindi film Doop Chhaav. It's been sung by Salman Ali, music directed by Kashi Richard, lyrics Nikhat Khan, film directed by Hemant Sharan. एक्चुअली ये गाना बहुत ही खूबसूरत गाना है और इस गाने की धुन ही बहुत प्यारी है और इस गाने के जो बोल है वो बहुत ही खूबसूरत लिखे हैं. गाने का नाम ही रफ्ता है. और देखो गाना, हम तो सिंगर हैं, हम तो गा देते हैं गाना, लेकिन उसके पीछे बहुत लोगों का हाथ होता है. म्यूज़िक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर है ना, और सब लोगों का हाथ होता है, लेखक का हाथ होता है इसमें. तो निखत जी ने इसको लिखा है, निखत खान जी ने लिखा है इस गाने को. और हमारे तो ये गाना बहुत ही फील वाला गाना है. बहुत ही इसको मैंने बहुत नीचे से गाया है और ना बहुत ही फील के साथ गाया है. जब ये गाना निकल कर आएगा, निखर के आएगा, तो बहुत अच्छा लगेगा. हमारे इस गाने के म्यूज़िक डायरेक्टर हमारे काशी जी, जो बहुत ही खूबसूरत इस गाने में म्यूज़िक दिया उन्होंने. और रफ्ता जो सॉन्ग है वो बहुत ही प्यार से, जब मैं गाना गा रहा था स्टूडियो में, तो उन्होंने बहुत प्यार से मुझे हर एक चीज़ को बता रहे थे, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बता रहे थे, है ना. मैं नीचे से नहीं गा पा रहा था, और तो उन्होंने कुछ ना कुछ आइडिया निकाले दिमाग से कि हाँ, इसको इस हिसाब से गाना है, इस गाने को ऐसे मोड़ना है, तोड़ना है. तो काशी जी बहुत ही कमाल के हमारे बहुत ही प्यारे इंसान हैं, बहुत ही कमाल के इंसान हैं, और उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा मुझे. देखिए मैं बताना चाहूंगा कि मैं जो भी कुछ हूँ इंडियन आइडल की वजह से हूँ. और रियलिटी शो बहुत ही मायने रखता है आपकी जिंदगी में, क्योंकि जब आपको कोई नहीं जानता, उस रियलिटी शो की वजह से आपको पूरी दुनिया जानती है, तो फर्क तो पड़ता है और बहुत सारे काम मिलने स्टार्ट हो जाते हैं. तो मैं तो ये बात हमेशा कहता हूँ कि मैं जो भी कुछ हूँ रियलिटी शो की वजह से हूँ, बाकी अपने माँ बाप की दुआ की वजह से. और ये भी कहना चाहूँगा, इंडियन आइडल के बाद रियलिटी शो के भी दुआ है, काफ़ी सारे रियलिटी शो हैं इसमें. इसके बाद आपने कोई दूसरा में क्यों नहीं मतलब ऑप्ट किया? मैंने रियलिटी शो किया था इंडियन आइडल के बाद, मैंने सुपरस्टार सिंगर भी किया था. देन उसके बाद में मैंने अभी अपना ये किया था, IPML किया था मैंने, ZTV पर एक शो आया था. और आगे चल कर भी इंशाल्लाह बहुत बहुत जल्दी मैं आप लोगों को दिखने वाला हूँ. लास्टली, और ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो बहुत दिल के करीब हो, कोई अच्छा प्रोजेक्ट, ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट जिसको? बस फिलहाल तो मैं कहना चाहता हूँ कि बस ये बहुत ही खूबसूरत गाना आ रहा है इश्क, बस इसको प्यार तो ढेर सारा. बाकी आने वाले समय में मेरे एक भूमि 21 में मेरा गाना आ रहा है. भूमि 2021 में सलीम सलमान जी का प्रोजेक्ट है, उसमें मेरा एक गाना आ रहा है बहुत जल्दी इंशाल्लाह. और आगे इंशाल्लाह आप लोगों को देखने को मिलता रहेगा. देखिए गाना तो रोमांटिक गाना है, फिल्म का ये एक ही गाना है, बाकी तो सब अलग अलग टाइप के गाने हैं. पर ये गाना बना तो हमें एक ही सिंगर नज़र आया, सलमान. वो बहुत हाई गाते हैं, लेकिन हमने एक्सपेरिमेंट किया इसमें कि उनको लो गवाएं. उन्होंने लो गाया, इतना अच्छा गाया, ब्यूटीफुली गाया, मज़ा आ गया. हल्के हल्के हमने उनको हाई नोट्स भी दिए, पर इतने अच्छे सिंगर हैं, उन्होंने अच्छा जमाया. एक्चुअली ये रोमांटिक गाना है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है ये कश्मीर में पिक्चराइज कर रहे हैं, तो अच्छे सॉफ्ट वर्ड हैं, रफ्ता रफ्ता करके वर्ड हैं. फीमेल सिंगर भी इसमें है, मनाली चतुर्वेदी, उन्होंने भी बहुत अच्छा उनका साथ निभाया, बहुत अच्छा गाया और गाना बहुत अच्छा है. आगे तो हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, मतलब इनके साथ भी है, और हम म्यूजिक वीडियो भी बहुत सारे कर रहे हैं, जिनमें एक वॉर्नर ब्रदर्स के साथ भी हमारा गाना आ रहा है, काफ़ी कंपनी के साथ है, बेंचमार्क के साथ आ रहा है, कुछ 8-10 म्यूजिक वीडियो भी आ रहे हैं, और प्लानिंग भी है कि सलमान के साथ वापस एक दो गाने करें. Well, this is the first time I've got to sing with Salman Ali, and as all of you all know, he's a fabulous singer. तो हमारा ये पहला गाना है उनके साथ में, और कंपोज़र है काशी कश्यप जी. इट्स अ ब्यूटिफुल कंपोजिशन, इट्स अ रोमांटिक नंबर, और काशी सर ने बहुत ही अच्छी तरह से और खूबसूरती से इसको कंपोज किया है, और मूवी भी बहुत अच्छी बन रही है. तो होपफुली बहुत अच्छा इसको प्रमोशन करेंगे और बहुत अच्छी तरह से इसे रिलीज करेंगे, और सब ऑडियंस को पसंद भी जरूर आएगा. आई स्टार्टेड माई प्लेबैक करियर विद काशी सर, एंड ही इज़ द वन हु इंट्रोड्यूस मी टू प्लेबैक सिंगिंग. तो काशी सर ही हमारे मेंटोर हैं,
और कुछ सिंगल्स हम लोग कर रहे हैं आगे आने वाले कुछ दिनों में आप लोग हमारे सिंगल्स भी सुनेंगे फ्रॉम वेरियस कंपनीज एंड म्यूजिक लेबल्स. और जैसे अभी सीन चल रहा है कोविड का, तो जैसे जैसे मूवीज रिलीज होती जाएंगी वी एट OTT प्लेटफॉर्म या फिर थिएट्रिकल, तो उस हिसाब से हमारे गाने भी रिलीज होते जाएंगे. ये एक रोमांटिक सॉन्ग है और इसका टाइटल है रफ्ता रफ्ता. ये बहुत ही खूबसूरत गाना है. अब तो जब रिलीज होगा आप सबके सामने आएगा तब आप ज़्यादा उसको बेहतर जज कर पाएंगे, पर हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि अच्छी सी अच्छी चीज़ हम अब तक पेश कर सकें, आप तक पहुंचा सकें. और सलमान अली तो आप सभी उनको जानते हैं, बहुत ही उम्दा शायर गायक हैं वो. और सलमान अली ने बड़ी अच्छी बड़ी खूबी के साथ इस गाने को निभाया है. और हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने भी काफ़ी मतलब बहुत सारे गाने सुनने के बाद इस गाने को उन्होंने सेलेक्ट किया, तो जाहिर सी बात है कुछ तो होगा इसके अंदर. और काशी जी तो बेहतर कंपोज़र हैं, बहुत अच्छा उन्होंने कंपोज किया है. और मेरा ये काफ़ी टाइम के बाद कोई एक गाना मैं कम बैक हो रही हूँ, तो मैंने पहले बेशरम में किया था, दो गाने मैंने उसमें किए थे जिसमें से लुट गए वे आके तेरे मोहल्ले इज़ अ वेरी फेमस सॉन्ग. पर बट उसके बाद अब ये मुझे लगता है कि लोगों तक बहुत बहुत ही लोगों के दिलों को छुएगा.